गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज स्टडी अबाउट मोमेंट्स ऑफ द अर्थ ऑफ लेसन 4. यू ऑलरेडी नो दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. आप पहले से ही जानते हो कि अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि अर्थ के सेंटर से होकर गुजरता है, ठीक है. एंड दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. अब ये जो एक्सिस होता है, जो होता है, वो थोड़ा सा झुका होता है. द टू पॉइंट्स वर द एक्सिस सीम्स टू इंटर आर कॉल्ड द पोल्स. टू पॉइंट्स पर एक्सिस जो है वो इंटर होता है, टू पॉइंट्स पर, ठीक है. टू पॉइंट्स पर एक्सिस जो है वो इंटर होता है, जिसे हम पोल कहते हैं. पोल्स कहते हैं. आप ये पोल्स देख सकते हो, यहाँ पर ये पोल्स हैं, ठीक है, ये वाली, ये और ये पोल्स हैं. द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. आप पिक में देख सकते हो फिगर 4.5 में, ठीक है. ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. एंड द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ. और इक्वेटर जो होता है वो दूसरा एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, जो अर्थ के चारों ओर होता है, ठीक है. एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल्स, जो बिल्कुल आधा होता है पोल्स के बीच में, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. उसके बीच में ये वाली, ये जो लाइन गई है एकदम बीच में आधा, ठीक है. तो यही है इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं जिसे, ओके. फिर आपका यहाँ से इट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है. ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, ठीक है, डिवाइड करता है. आप देख सकते हो, ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. यहाँ से आप देख सकते हो टू इक्वल, ये दोनों, ये और ये, ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है. आप यहाँ 4.5 में भी देख सकते हो, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइज द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है. इक्वेटर जो होता है वो इमेजिनरी लाइन ही होता है, ठीक है, जो कि अर्थ को डिवाइड करता है टू, ठीक है, इक्वल हाफ्स में, ठीक है. तो उसमें क्या हो जाता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हो आप. आप यहाँ पर देख सकते हो पिक में भी 4.5 में, ठीक है, दो जो इक्वेटर हो जाता है, जो इक्वेटर ये है, ठीक है, वो उसको इमेजिनरी लाइन ही होता है जो कि डिवाइड करता है उसको टू इक्वल हाफ्स में, जिसको एक को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके. एक को उत्तरी गोलार्ध और एक को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ओके. यहाँ से दो, द अर्थ अपीयर्स स्टिल टू अस, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. हालांकि अर्थ हमें दिखाई देते हैं टू टाइप्स के मूवमेंट्स में, ठीक है. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन. तो जो अपने एक्सिस पर जो अर्थ घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है, उसे रोटेशन कहा जाता है. द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स. अर्थ जो होता है एक रोटेशन में 24 आवर्स लेता है, वो एक रोटेशन,
ठीक है 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। एक रोटेशन में उसको 24 आवर्स लग जाते हैं, दैट मेक्स अ कंप्लीट, ये एक पूरा दिन बनाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस काउज डे एंड नाइट, और रोटेशन के कारण ही वो जो एक्सिस, जो अपने एक्सिस पर वो रोटेशन करती है अर्थ, तो उसी के कारण ही डे और नाइट फॉर्म होते हैं। ठीक है, उन्हीं के कारण डे और नाइट होते हैं। द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एंड गेट्स लाइट फ्रॉम इट हैज़ डे, अर्थ का जो हाफ पार्ट जो फेस किया रहता है सन की ओर, जिस पर लाइट पड़ता है वो वाला पार्ट होता है डे। ठीक है, द अदर हाफ विच फेसेस अवे एंड डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन हैज़ नाइट, वो और अर्थ का जो अर्थ का वो हाफ पार्ट जो सन की तरफ सन से दूर रहता है, ठीक है, और जिस पे क्या बोलते हैं कि लाइट नहीं पड़ती है, ठीक है, सन की लाइट नहीं पड़ती, तो वो वाला पार्ट क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है। ठीक है, बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर आई मीन अर्थ के एक्सिस पर रोटेटिंग करने के अतिरिक्त, ठीक है, रोटेटिंग करने के अतिरिक्त वो क्या करता है, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, वो अर्थ के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग करता है, घूमता है। ठीक है, दिस मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, तो जो उसके चारों ओर सन के और जो है जो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है, मूवमेंट करती है, जो ये मूवमेंट हुआ उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, परिक्रमा करना, वो परिक्रमा करती है सन के चारों ओर। ओके, द अर्थ मूव्स कंटिन्यूअसली, और जो है वो लगातार घूमते रहती है, इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पथ कॉल्ड एन ऑर्बिट, और सन के चारों ओर वो एक फिक्स पथ में, ठीक है, घूमती है, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 365 1/4 days, और वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड, और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उसका 365 1/4 days में। ठीक है, एक रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर, और ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को सोलर ईयर कहा जाता है। आप पिक में देख सकते हो यहाँ पर 4.6 में, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एज इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसी प्रकार वो सन के चारों ओर भी रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, ये पिक में आप देख सकते हो पोल जो दिया हुआ है, ठीक है, एंड अर्थ है। अब आप ये भी देख सकते हो ये सन है, ठीक है, और जो पार्ट पे फेसेस की हो सन की तरफ, जिस पार्ट पर क्या बोलते हैं लाइट पड़ रही है सन की, तो वो वाला पार्ट में डे है, और जिस पार्ट पे नहीं पड़ रही लाइट वो क्या बोलते हैं नाइट है, और रोटेशन करते हुए दिखाई दे रही है ये इस टाइप से आपको। ठीक है, रोटेशन कर रही है अर्थ जो है, ठीक है, एंड अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेशन करती है, एंड उसके साथ वो सन के चारों ओर भी रिवॉल्विंग करती है, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है, परिक्रमा करती है। ओके, थैंक यू।